पंचायत नागनी वार्ड नंबर 4 की रहने वाली सिमरन कौर का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में चयन हुआ है। कुठेड़ नाम के छोटे से गांव की रहने वाली बेटी की प्रारंभिक शिक्षा नूरपुर में हुई है तथा मौजूदा समय में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में कोट पलाहड़ी में अपनी सेवाएं दे रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत एक दिन सफलता के कदम अवश्य चूमती है। अपनी मेहनत और लगन के बल पर सिमरन कौर अब सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी सेवाएं देगी। सिमरन के पिता रविंदर सिंह ने बेटी की उपलब्धि पर सबको बधाई देते हुए कहा कि सिमरन बचपन से ही लगनशील रही है तथा अपने साथ साथ अपनी छोटी बहन की भी बहुत सहायता करती है। मैं एक बार फिर से सबको बधाई देता हूँ। सिमरन के ताया कुलदीप सिंह ने कहा कि सिमरन ने माता पिता तथा पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं सिमरन को बधाई देता हूँ। हिमाचल प्लस उत्तरी कांगड़ा ब्यूरो से संजीव महाजन की रिपोर्ट। तो मेरा नाम सिमरन कौर है, मेरे पिताजी का नाम श्री रविंदर सिंह है, मैं कुठेड़ नागनी की रहने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी शिक्षा 10वीं की जो कंप्लीट करी थी वो मैंने इंदिरा प्रभादश पब्लिक स्कूल से कंप्लीट करी थी सन 2014 में। फिर 2016 में मैंने एनपीएस से अपनी प्लस टू की शिक्षा कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था नर्सिंग का। सो उसके बाद मुझे सीट मिली थी VVM इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मलकवाल में। सो मैंने 2016 में वहाँ पर ज्वाइन किया था वो BSc नर्सिंग के लिए, और 2020 में मैंने BSc नर्सिंग अपना वहाँ से कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए थे। उससे पहले मैंने CH नूरपुर में सिविल हॉस्पिटल नूरपुर में भी 1.5 ईयर एज अ क्लिनिकल वर्क किया है। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, तो वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग दी थी धर्मशाला में, मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद उसका मेडिकल वगैरह कम्प्लीट होने के बाद मैंने ज्वाइनिंग दिया सबसे पहले मंगवाल में, HWC मंगवाल में अंडर PHC ब्रंडा। नेक्स्ट फिर मैंने उसको ज्वाइन किया था HWC कोट पलाड़ी में अंडर PHC सदमा में ब्लॉक नूरपुर के अंदर। वहाँ पे मैंने कोई एक साल काम किया है एज अ CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये मेरा इस टाइम पे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है कम्युनिटी, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हम वर्क करते हैं तो हम पूरी कम्युनिटी के साथ मिलके काम करते हैं, बहुत से लोगों से जान मिलते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, बहुत कुछ मैंने वहाँ पे सीखा। उसके बाद मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए थे। फिर अभी जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया MNS का मल्टी नर्सिंग सर्विसेज का, ये मैंने अमृतसर में एग्ज़ाम दिया था, तो अभी ये मेरा क्वालिफाई हुआ है। तो अभी मैं मुझे अभी सिलेक्शन हुआ है एज अ लेफ्टिनेंट इन शॉर्ट सर्विस कमीशन में इन मिलिट्री हॉस्पिटल झारखंड में रांची में। सो अभी मैं वहाँ पे ज्वाइन करूँगी और 5 अगस्त को। सिमरन जी, आपको जो प्रेरणा है किससे मिली है? सबसे पहले तो सर मेरी फैमिली में मेरे दादाजी थे मिलिट्री में, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है क्योंकि मैंने उनको देखा एज अ डिसिप्लिनड वो थे, ठीक है, उनका पूरा क्राइटेरिया था वो डिसिप्लिन रहते थे, वो एक उनका पैटर्न बना हुआ था किस तरह से काम करना है, किस तरह से आर्मी का एक जोश होता है वो वहाँ से मिला है। उसके बाद मेरे ताया जी ने आर्मी में वर्क किया, मैंने उनको देखा है किस तरह से वो जब घर आते थे किस तरह वो डिसिप्लिन रहते थे, किस तरह से उनका एक आर्मी को लेके एक जज्बा था, तो वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली थी। तो मुझे एक होप था कि मुझे भी वहाँ पर वर्क करना है एज अ आर्मी में, एक अपने नेशन को वर्क करना है, उनके लिए भी अपना मतलब अपना वर्क देना है, वहाँ पर एक पार्टिसिपेशन देना है मुझे। सो उसके बाद मैंने काफ़ी और भी ऐसे न्यूज़ में देखे, काफ़ी मिलिट्री पीपल्स को सुना है, काफ़ी उनकी अचीवमेंट सुनी है, सो उन पर भी मुझे बहुत सा एनकरेजमेंट मिला था कि एक अगर मुझे चांस मिलता है तो आई विल डू फॉर दैट, मैं उसके लिए वर्क करूँगी और उसमें एक पार्टिसिपेट करूँगी अपना। सो उसमें मैंने फिर एग्ज़ाम दिया था, फिर इसके बाद मेरा एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू हुआ था, मेडिकल हुआ था, वो क्वालिफाई करके अभी मेरे को एज अ पोस्टिंग मिली है रांची में एज अ लेफ्टिनेंट। सिमरन जी, अभी आपने देखा है युवा पीढ़ी जो है काफ़ी नशे में जुआ करता है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो ये जो नशा है एक बहुत बुरी चीज़ है, हमने देखा है कि ये आसानी से अगर हम बच्चे क्या कहते हैं आजकल की युवा पीढ़ी बहुत इस तरफ अट्रैक्टिव हो रही है कि हाँ ये समथिंग ऐसा है कि अगर हम करेंगे तो हम बड़ा ऐसा पॉपुलर हो जाएंगे और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत बुरी चीज़ है और ये लोगों को बहुत गलत जगह लेके जा रही है। इसको छोड़ना, फिर अगर आप एक बार इससे अडिक्ट हो जाते हैं तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मेरा एक उनके लिए मैसेज है कि नशे से दूर रहे, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ है नशा और इसको छोड़ना फिर बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है और इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स है। एक तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ेगा क्योंकि ये आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है, दूसरा उनका हेल्थ बिगड़ेगा और अगर हेल्थ बिगड़ा तो ना पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे ना वो कल को कुछ अचीव कर पाएंगे। तो इससे मेरे को एक उनको यही मैसेज है कि इस चीज़ से दूर रहें, और मेन अगर आपको अपना कुछ करना है तो अपना स्टडी में फोकस करें और कल को अपना करियर बना के अपनी फैमिली को सेटल करें। माता दादी।
नमस्कार, मेरा नाम बबीता रानी है, मैं सिमरन की मम्मी हूँ। बहुत गर्व है हमें अपने बच्चों पे, ना सारे इन्होंने अपनी मेहनत किया, हम तो अपना फ़र्ज निभाने वाते हैं, बाकी मेहनत बच्चों की है। और बहुत बहुत इसको मुबारक और बहुत हमें गर्व है इस पर। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, पिताजी का नाम लेट श्री सुरजीत सिंह, कुठेड़ नागड़ी नूरपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ मैं। और सबसे पहले ये जो सिमरनजीत है, ये मेरी भतीजी है, और मैं इस बेटी भतीजी को एज ए लेफ्टिनेंट पद की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो कि इसने हमारे पूरे खानदान का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ में इसका जो प्रेरणा जो इसने बताई है कि ताया जी से और पिताजी से, दादाजी से ली है, और साथ ही में इसके गुरुओं को जिन्होंने इसको इस मुकाम तक पहुँचाया है और इसको अच्छी प्रेरणा दे के लेफ्टिनेंट पद के तक पहुँचाया, तो मैं यही चाहता हूँ कि इस बच्चे को के और भी आगे तरक्की करे और हमारा नाम, हमारे देश का नाम, हमारे ज़िले का नाम रोशन करे। मेरा नाम रविंदर सिंह है, सिमरन कौर मेरी बेटी है, और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। ये शुरू से ही पढ़ने को काफ़ी थी इंटेलिजेंट, इसने साथ में ही अपनी छोटी बहन को भी काफ़ी स्टडी करवाई, जो NIT हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही है, और लगातार 5 सेमेस्टर NIT टॉप में टॉप किया है। तो मैं इसको सबसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिसने अपने परिवार के लिए इतना बढ़िया काम किया है।